जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। ये रिश्ता क्या कहलाता है? गायत्री जी, गायत्री जी, दरअसल डर तो मैं भी गया था, बच्चे हैं कहीं कोई नादानी ना कर बैठे, लेकिन कुछ ना करने से तो एक कोशिश करना सही साबित हुआ। भाई भाभी ने अपना फर्ज निभाया है, लेकिन हमें तो उन पर भरोसा ही नहीं था। गायत्री जी, ऐसी बात नहीं है। छोटी दुल्हन, मैं चुप हो जाती हूँ भाभी माँ, लेकिन मेरे चुप रहने से क्या सच्चाई बदल जाएगी? हम अपने बच्चों को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो मनमानी करते हैं। मनमानी तो हमारी नंदिनी ने भी की है ना। अपनी मर्जी से ससुराल छोड़कर वो यहाँ आई। हम सब तो यही चाहते थे ना कि वो लौट जाए, लेकिन चुप रहे। अपनी बच्ची की खुशी के हमने उसे समय दिया, तो मुन्ना के साथ इतना कठोर क्यों हो रहे हैं? आप सिर्फ इतना बताइए कि आप नंदिनी का दुख नहीं देख सकते, तो मैं मेरे बेटे बहू का दुख कैसे देखूं? एक माँ होते हुए वो मुझसे अलग है, वो दुखी है, तो मैं कुछ कैसे रह सकती हूँ? गायत्री जी, गायत्री जी, आप जानती हैं दद्दा जी ने उन्हें क्यों अलग किया? जी जानती हूँ। बच्चे गलती करते हैं तो उन्हें डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए, लेकिन हम बड़े गलती करें तो? बच्चों को अपने से अलग करके क्या हमने गलती नहीं की है? जैसे हमारा उनसे कोई संबंध ही नहीं। गायत्री जी, आप गलत समझ रही हैं। जी हो सकता है, लेकिन जो मैं देख रही हूँ, कम से कम आप तो अनदेखा मत करिए। मुन्ना और बहू तो यही सोचने लगे कि हम उनसे कोई रिश्ता चाहते ही नहीं, हमारे बिना वो अपने काम करने लगे। कुछ ही दिनों में एहसास हो गया है उन्हें कि उन्हें हमारी जरूरत है ही नहीं। असली बंटवारा तो अब हुआ है दद्दा जी। जी, मेरी विनती है आप सबसे, जो हो रहा है उसे मत होने दीजिए। सबके लिए हम जिम्मेदार हैं, हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। छोटी दुल्हन, भाभी माँ हो जाती हूँ चुप, लेकिन होगा क्या? एक माँ का दिल दुखी होगा बस। होली के समय बच्चे घर पे नहीं थे और एक माँ से आशा की गई कि बाहर आए, सबके सामने हंसी खुशी त्योहार मनाए, तो मैंने मनाया। बच्चे परेशान होते हैं तो मैं उनसे जाकर कुछ कह भी नहीं सकती। बच्चे मुसीबत में होते हैं तो माँ बाबू जी के पास आकर वो मदद भी नहीं मान सकते। उस दिन जब मुन्ना दिल्ली गया था तो भगवान ना करे अगर उसे कुछ हो जाता तो दोषी तो हम होते ना। बेचारी बहू हमसे कुछ आकर कह भी नहीं सकी, रात भर परेशान रही और हम बेफिक्र सो रहे थे। आज भी सोचती हूँ तो सांस अटक जाती है मेरी। मानती हूँ संसार में ऐसे ही होता है, सब अकेले रहते हैं, तो ठीक है, इस घर में भी वही सही, इस परिवार में भी वही सही, सब बिखर रहा है। गायत्री जी, आप संभालें अपने आप को। दादा जी, आप क्यों नाराज हैं अपने बच्चों से, बताइए? मैंने आज तक आपके किसी भी निर्णय पर सवाल नहीं किया, आपका हर फैसला मान, आप बड़े हैं, आपके सिद्धांतों की मैं इज्जत करती हूँ, लेकिन दादा जी चुप चुप कर अपने बच्चों को देखती हूँ। ना भूखा होता है तो उसे खाना खिलाने से डरती हूँ,
अगर भाभी माँ अपने हाथों से नंदिनी को निवाला खिला सकती है तो मैं क्यों नहीं दत्ता जी? खाने की मेज पर मुन्ना और बहू की काली कुर्सी देखकर मेरे गले से निवाला नहीं उतरता। जब से वो अलग हुए आंखों की नींद ओझल हो गई है मेरी। दत्ता जी क्या त्योहार क्या पूजा, हम साथ तो है लेकिन है तो अलग ही। बच्चों को सबके सामने होना चाहिए और वो सबसे पीछे होते हैं। अब सबके सामने मैं सब कुछ ठीक होने का नाटक नहीं कर सकती। इस बंटवारे से किसी का भला नहीं हो रहा दादा जी, किसी का भी नहीं। दादा जी इनका मन भरा आया इसलिए सो रही है। अगर मैं अनन्या को उसके पास छोड़ती हूँ तो ये उसे जगा देगी, बेचारी को ठीक से आराम नहीं मिल पाएगा। ऐसा करें इसे भी अपने साथ ले चले, पंडित जी से कलेवा भी बंधवा देंगे। ठीक है दीदी, इसे भी ले चलते। ठीक है छोटी, जरा तो इसका सामान ला देगी। अभी लाती हूँ दीदी। आपसे कुछ कहना है? नैतिक बस 2 मिनट, फाइल ऑनलाइन है। अच्छा बताइए, अब आपके लिए गरम गरम चाय लाओ या ठंडी ठंडी लस्सी? नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, ये सब समेटिए ना। बस नैतिक हो गया, आपको पता है हम क्या कर रहे हैं? आपने अपने हस्बैंड्स की बुराई। अच्छा गलत बात, ऐसे फ्रेंड्स की गॉसिप नहीं पढ़ा करते हम। बताइए क्या बुराई कर रही है? नहीं बताओ। हाँ जी आप ख्याल लेकर बैठ गई, सुनिए कल मैं बहुत खुश हूँ नैतिक, फाइनली मोहितनी दीदी को मना लिया। हाँ लेकिन दीदी चली जाएंगी तो ये घर फिर से सूना हो जाएगा। हाँ देखिए कल मैं पायल पूछ रही है कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है? सब है। नैतिक बताइए ना, वो वाला है ना, वो किशोर कुमार का? हाँ। अच्छा आपका ये सब काम कब खत्म होगा? जब तक आप हस्बैंड्स की बुराई खत्म नहीं होती। तो मैं बंद कर देता। अरे नैतिक ये क्या है? अरे कहाँ? नैतिक ये क्या है? छोड़िए मुझे, छोड़िए। मेरे बाल फंस गए आपके बटन में। आप क्या कह रही? कितना बुरा हूँ? नहीं बताऊंगी, मेरी हेल्प कीजिए ना। देखिए नहीं करनी पड़ेगी, छोड़िए। अक्षरा कब से आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान ही नहीं दे रही। क्यों? मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। क्या फिर से?
लेकिन इस बार कई दिनों के लिए आपसे दूर रहूंगा। लेकिन मैं तो कोई सवाल नहीं, मैं आपको बाद में सब बता दूंगा, लेकिन अभी मैं अपनी बीवी के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूं। लेकिन आप आएंगे कब? बता दूंगा। ओके। जी, क्षमा कर लीजिए मुझे, मैं खुद को रोक नहीं पाई, मैंने इतना कुछ कह दिया, इतना नहीं कहना चाहिए था मुझे, आप भी शर्मिंदा हो गए। जिस भाई को पिता समान इज्जत दी, उनके खिलाफ कभी एक शब्द नहीं कहा, आज मैंने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन आप तो जानते हैं दादाजी के लिए कितनी इज्जत है मेरे मन में, बस एक मां का दिल बेटे का गम नहीं सह पाया। मैं समझता हूं आपके दुख और दद्दा जी का भी, आपने सिर्फ अपनी पीड़ा देखी लेकिन आपने दद्दा जी की वेदना को नहीं समझा, इसीलिए वो आपको दोषी लगते। नहीं जी, मैंने उन्हें दोष नहीं दिया, मैं तो बस बच्चों के बारे में कह रही थी। मैत्री जी, इस समय घर में जो हालात है उसमें हम किसी को सही या गलत ठहरा नहीं सकते। मैं जानता हूं आपसे और मुझसे कई गुना ज्यादा तकलीफ दद्दा जी को हुई है इस समय इस बंटवारे को लेकर, प्राण बसते हैं उनके मुन्ना में, इसे समझाओ मैं। हाँ, आपकी बातों का बुरा मुझे लगा था, लेकिन मैं इस समय इतना ही कह सकता हूं आपको, जरा धीरज रखिए, विश्वास रखिए, दद्दा जी और मुन्ना के बीच जो तनाव पैदा हुए हैं वो कम हो जाएंगे, मिट जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। परमात्मा करे जो आप कह रहे हैं वही हो, मैं तो प्रतीक्षा करूंगी, लेकिन कहीं इतना समय ना निकल जाए कि हम अलग अलग अपनी राह चलते रहे और बुलाने तक कोई ना। सब लोग कहाँ गए? धनिया, धनिया, अरे वर्षा भाभी, धनिया गुड़िया कहाँ है? बड़ी माँ और काकी गुड़िया को अपने साथ मंदिर ले गए। क्या, कब? जब आप सो रही थी तभी। अच्छा, मुझे किसी ने उठाया भी नहीं। आप बैठिए वर्षा भाभी, मणिमल लोग अभी आ जाएंगे। नहीं नहीं धनिया, मुझे उसे डॉक्टर के पास लेके जाना था, अरे टीका लगवाना था उसे। हाय मेरी मैया। माँ आ तो गए। माँ, माँ मैं बहुत परेशान हो गई थी, आपने मुझे उठाया भी नहीं, मैं आपको फोन करने ही वाली थी, मुझे मुझे अनन्या को लेकर डॉक्टर के पास जाना था, टीका लगवाना था इसे। तू क्यों परेशान हो रही है, हम इसे टीका लगवा लाए। आपने इसे टीका लगवा दिया? हाँ, कल तू ही तो कह रही थी कि आज इसे टीका लगवाना है, तो मंदिर से लौटते समय हम इसे डॉक्टर के पास ले गए और टीका लगवा दिया। तू सो रही थी इसलिए सोचा तुझे ना उठाऊं। तुम बहुत भाग्यशाली हो वर्षा, तुम्हारी बेटी अपनी दादी के साथ ऐसे हिल गई है कि तुझे याद ही नहीं करती। अच्छा, मुझे पता भी नहीं चला आपने आप कब लेके गई से। बेटा तू इतनी गहरी नींद में जो सो रही थी, अब इसे आराम से सुला दे, बेचारी बहुत दर्द में होगी। बस 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 बस। धनिया जा वर्षा भाभी की बात। जी बड़ी माँ।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।